welcome back to my channel makeup anta it's me rajni patel friends kim cho majama आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है फ्रेंड्स. इस वीडियो में मैं कुछ हटके कुछ करना जा रही हूँ. ऐसा ये मेरा फर्स्ट वीडियो. अब तक मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने कभी हेयर स्टाइल का किया है, कभी मेकअप का किया है, कभी व्लॉग्स किए हैं एंड काफ़ी सारे ऐसे वीडियो एंटरटेनिंग वीडियो भी कर चुकी हूँ. लेकिन ये आज का जो वीडियो है कुछ हटके वीडियो है. इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ड्रेसअप के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस टाइप का ड्रेसअप आप लोग को करना चाहिए. और वन थिंग मोर, आजकल के टाइम में लोग ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. हम लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ड्रेस को ट्राई भी नहीं कर पाते हैं और कई बार डिफेक्टिव उसमें आते रहते हैं क्लॉथ्स. लेकिन हम लोग जब शॉप में जाते हैं हम लोग सब कुछ देख के परख के ही फिर वो ड्रेस कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन में आपको कम रेट में मिलते हैं एंड शॉप में जाने से आपको इतनी वेराइटी के सारे ड्रेसेस क्लोथ्स नहीं मिलेंगे. नो फ्रेंड्स, ये गलत बात है. बिल्कुल ही मैं आपको कुछ ड्रेसेस आपको दिखाऊंगी मेरी जो अभी मैंने नॉर्मल शॉप से ही ली है. हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हूँ, मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ. लेकिन आप लोगों को मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि ना हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो ड्रेसेस डिफेक्टिव आ जाते हैं. उसमें कुछ ना कुछ कि हम लोग को ये ड्रेस फिट नहीं कर रहे हैं या फिर उसका फैब्रिक में खराबी है, ऐसा कुछ ना कुछ. या फिर हम लोग जो साइज़ का मंगवाते हैं उसे या फिर स्मॉल साइज़ आ जाते हैं या फिर उससे बड़े साइज के ड्रेसेस आ जाते हैं. लेकिन नॉर्मल शॉप से जब शॉपिंग करते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती है. तो मैं ये कुछ ड्रेसेस जो अपनी लेके आई हूँ ये अपना शॉप में जाके ट्राई मार के ही फिर ही लेके आई हूँ. और ये ड्रेसेस पूरा अपना देख जान के उसका फैब्रिक को पहचान के उसके बाद में ली हूँ. और बहुत ही रीजनेबल है, एकदम बहुत किफ़ायती, इसे हर कोई अफोर्ड कर पाएगा. मैंने जिसमें से मैंने 3 टॉप्स लेके आई हूँ अभी मैं हाल फिलहाल में एंड 2 पैंट लेके आई हूँ. एक है जैगिंग्स एंड एक है सिगरेट पैंट. सो लेट्स गेट स्टार्ट. ये कुछ ड्रेसेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं अभी आप लोगों को पता ही है कि मैं अभी थोड़ा सा बाहर आई हूँ. जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो उन लोगों को भी बहुत सूटेबल करता है ये वाला ड्रेस. और नॉर्मल कोई शॉप पे या फिर हम लोग कोई जैसे फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करने जाएं या फिर हम लोग ऑफिस में अगर जॉब करते हैं तो उन लोगों के लिए बेस्ट है ये वाला टॉप. इस टॉप को मैंने 700 में लिया था एंड ये बहुत ही स्टाइलिश टॉप है. उसके बाद में मैंने ये वाली एक ड्रेस ली, ये कुर्ती पैटर्न में है. ये मैंने नॉर्मल शॉप से ली है. इस कुर्ती को मैंने 450 रुपीज में ली थी जो कि इसका मटेरियल जो है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है. जैसे कहीं इधर उधर अगर हम लोग को जाना हो कैजुअली कहीं पे भी और बहुत स्टाइलिश है, कहीं इधर उधर ट्रैवलिंग के लिए भी जाना हो तो उसके लिए बेस्ट ड्रेस है ये. ये वाला टॉप मैंने 700 में लिया. ये बहुत स्टाइलिश ड्रेस है, इसे भी आप ऑफिस में पहन सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर सकती हैं या फिर नाइट कोई पार्टी हो उसके लिए ये बेस्ट ड्रेस है. इसका कलर जो है अभी आजकल का बहुत फैशन में है ये वाला कलर. आप लोग जरूर इसे ट्राई कीजिएगा इस कलर को. ये कलर जो है ये आपके पार्टीज में भी चलता है, नाइट के आउटिंग पार्टी में भी चलता है एंड दिन में डे आउट पार्टी में भी ये वाला कलर बहुत चलता है. ये भी लेटेस्ट ट्रेंड में है ये कलर. सो मस्ट से कि वार्डरोब में हर एक लेडी के वार्डरोब में ये कलर होना ही चाहिए. मैं इन सबको आपको एक एक करके वेयर करके दिखाऊंगी. फिर ये है जैगिंग्स, ये मैंने शॉप से नॉर्मली मैंने 350 रुपीज में मैंने लिया था. ये बहुत ही रीजनेबल है. उसके बाद में ये है सिगरेट पैंट. ये मैंने 400 में मैंने लिया था, बहुत ही रीजनेबल है. तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ऑनलाइन में ही शॉपिंग करने से रीजनेबल रेट में आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. आप नॉर्मल शॉप से भी लेंगे तो आपको रीजनेबल रेट में ही वही चीज़ मिल जाएगी और बल्कि आपको आपके साइज़ की मिलेगी. अब मैं इन सब ड्रेसेस को आपको थोड़ी देर में पहन के दिखाती हूँ और फिर बाद में आप लोग बताइएगा, आप लोग जज कीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगा नॉर्मल शॉप से परचेस किया हुआ और इसका प्राइस आपको कैसे लगे. सो तब तक मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ. Writers, rappers,
too late.